कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ प्रसिद्ध संगीतकार आर डी बर्मन पर बनी फिल्म पंचम अनमिक्स के प्रदर्शन के साथ हुआ। कालजयी सत्र में कुमार गंधर्व पर फिल्म लेखक और अभिनेता अतुल तिवारी के साथ चर्चा में कुमार गंधर्व की पुत्री कलापिनी कोमकली ने बताया कि इतने बड़े कलाकार की शताब्दी को एक या दो आयोजनों में समेटना संभव नहीं था। उन्होंने भजन सुनाकर कुमार गंधर्व का संगीत कला व गुरु शिष्य परंपरा का प्रदर्शन भी किया। दर्शकों व साहित्य प्रेमियों से खचाखच भरे गौर हरि सिंघानिया आए सभाकार में शास्त्रीय संगीत गायिका विदुषी कालपिनी कोमकली ने बताया कि कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत में नवीनता का समावेश किया। कुछ छलकियां आप भी देख सकते हैं इस पूरी रिपोर्ट में, और क्या कुछ कहा लेखकों ने वो भी आप इस रिपोर्ट में देखें, रंगोली देखें, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस खास रिपोर्ट में। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। With his he had his percussion man Maruti, he had Maruti with him, and he started a tune. Brilliant. And then he went on from there to O Haseena Zulfanwali, you know, all these songs. And in about an hour's time, he had shown me all that he had come with, and I thought it was fabulous. एक गाना पिताजी का रह गया है, आपको बता दूं, मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मैं देख रही हूँ। तो कौन सा गाना उन्होंने बनाया था? नाम रिवील किया है, नाम है मेट्रो का पहला डिब्बा। कल हम इसका कवर पेज लॉन्च करेंगे और वर्ल्ड बुक फेयर में आपको ये किताब देखने को मिलेगी। 14 कहानियाँ हैं इसमें, और जैसे कि इसका नाम है मेट्रो का पहला डिब्बा, तो कहीं ना कहीं ये वुमेन को रिलेट करती है। ये जो पिंक कलर हमने लिया है, ऑफकोर्स जब भी हमारे दिमाग में लड़कियां या महिलाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं से पिंक और रेड कलर आ जाता है। उसके अलावा एक खास बात ये है कि जब हम मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो जो पिंक जोन होता है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। नाम क्योंकि मेट्रो का डिब्बा है इसलिए हमने इसका बैकग्राउंड पिंक। कानपुर फेस्टिवल में जो एक किताब लगी हुई है, इसके उपलक्ष्य में क्या बताना चाहेंगे, दो शब्द? क्योंकि कानपुर फेस्टिवल में पहली बार हमने भी पार्टिसिपेट किया है लेखक के तौर पर, और 2020 में मैंने ये किताब लिखी थी कोरोना पर, और बड़ी त्रासदी थी भारत के लिए और विश्व के लिए भी। तो उसमें बहुत कुछ हमने एक पत्रकार के तौर पर मैंने महसूस किया, और जो शब्द हमारे पास थे जिनको हमने वाक्यों में हमने पिरोया, और फिर उसके बाद वही वाक्य हमारी किताब बने, और वो किताब आज इस फेस्टिवल में सबके सामने है। मैं अनिता मिश्रा हूँ, कानपुर लिटरेचर सोसाइटी की ऑर्गेनाइजिंग टीम से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्वयं भी एक लेखिका हूँ। यहाँ आज कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल का पहला दिन है। दो दिन के इस साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम में बहुत तरह के इवेंट्स हैं जो शहरवासियों के लिए बहुत ही जागरूक करने वाले, और फन मोमेंट्स भी हैं, स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो कानपुर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ दोनों दिन फेस्टिवल अटेंड करना। जैसे कि कानपुर लिटरेचर हर वर्ष लगाता है, इस वर्ष क्या कुछ नया भी है? हर बार ही एक तरह से लगाता तो है, पर हर बार नए होते हैं, नए गेस्ट होते हैं, नए सेशन होते हैं। स्टॉल में जैसे इस बार एक नया है, हमने कानपुर के राइटर्स का एक अलग से बनाया है, तो वहाँ पे राइटर रहेंगे, उनकी बुक्स रहेंगी, लोग आके उनसे बात कर सकते हैं, उनके ऑटोग्राफ ले सकते हैं, तो इस मायने भी एक नया शुरू हुआ। आज जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, सो मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आए मैम?
मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे फिल्म से जुड़े जो दिखाई जाएगी, अभी तो वही डायरेक्टर है ही है और जो भी हमारे आ रहे हैं गेस्ट सारे के सारे हमारे लिए मुख्य अतिथि। हम कुछ एक ऐसा स्पेशल कोई नहीं बुलाते हैं, जो डायरेक्टर और जो एक्टर या राइटर आ रहे हैं सब के सब वही रहेंगे उद्घाटन में, वो वही लोग होंगे हमारे। क्या मैसेज देना चाहेंगे कानपुर वालों को? कानपुर वालों के लिए यही मैसेज है कि एक समय कभी था बहुत साहित्यिक नगरी थी, तमाम राइटर थे यहाँ पे। अब हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह की जागरूकता शहर में फिर से आ सके, लिटरेरी इवेंट्स हो, लोग इनसे जुड़े, नई चीज़ें देखें, सीखें और ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएँ तो शहर का माहौल व्यापारिक रूप से समृद्ध है ही, सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है।